से देखेंगे, एनआईए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भूपेश सरकार ने दी है। एनआईए कानून को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है भूपेश सरकार। एनआईए एक्ट को संवैधानिक करार देने के लिए याचिका लगाई गई है। पुलिस के अधिकारों में दखल ना दे एनआईए, ये कहना है सरकार का। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। भूपेश सरकार ने चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है भूपेश सरकार। आशीष तिवारी विशेष संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कैसे देखें इस पूरी चुनौती को? देखिए, दरअसल ये पूरा मामले का आधार बना है भीमा मंडावी की, जिस तरीके से माओवादी ने हत्या कर दी थी, उसके बाद एनआईए जांच इस पर शुरू की गई, जबकि भूपेश सरकार नहीं चाहती थी कि इस पूरे मामले की एनआईए जांच कराई जाए। इसे लेकर हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन लगाई गई थी, लेकिन तब ये फैसला सरकार के खिलाफ आया था, इसे माना सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर सरकार ने पिटीशन नहीं लगाया था। दंतेवाड़ा के एक व्यक्ति के जरिए ये पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन अब चूंकि एक अपराध में यदि संविधान के मुताबिक किसी प्रकरण पर धारा लगी है, तो उस धारे के तहत राज्य पुलिस सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और अपराधियों तक पहुंचने के लिए। यही दलील एनआईए एक्ट के खिलाफ जो पिटीशन भूपेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है उसमें दी है, और इसे ही एक बड़ा आधार बनाने की कोशिश की है कि एनआईए एक्ट के जरिए केंद्र सरकार जो है वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पिटीशन जरूर फाइल कर दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कब होगी इसकी तारीख फिलहाल तय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए एक और खबर करूं।